प्रधानमंत्री मोदी के पकौड़े बेचने वाले बयान पर विरोधियों का बवाल लगातार जारी है। पकौड़े वाले बवाल पर आज हरियाणा भवन पहुंच गया। इनसो के कार्यकर्ताओं ने पकौड़ों के साथ हरियाणा भवन के बाहर जोरदार प्रोटेस्ट किया और इस बयान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से माफी मांगने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पकोड़े वाले बयान पर बवाल लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि सड़क पर इनसो के कार्यकर्ता उस बयान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन हरियाणा भवन के बाहर हो रहा है। तमाम जो इनसो के कार्यकर्ता है वो नरेंद्र मोदी के पकोड़े वाले बयान को लेकर नाराज है और बाकायदा इस प्रदर्शन में अपने साथ जो इनसो के कार्यकर्ता है वो पकोड़े लेकर आए हैं और इस बयान को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और बड़ी जबरदस्त आवाज के साथ नरेंद्र मोदी के खिलाफ यहां पर जोरदार नारेबाजी हो रही है। और इसी प्रदर्शन के मद्देनजर आप इधर देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल यहां पर तैनात किया है और इस रोड पर इस प्रदर्शन के चलते हुए जो ट्रैफिक की आवाजाही है उसको भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और यहां पर ये तमाम जो इनसो के कार्यकर्ता है उनको बैरिकेड करके यहां पर रोका गया है। ये लोग जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर उनसे मिलना चाहते हैं, उनको एक ज्ञापन देना चाहते हैं। हमारे साथ दिग्विजय सिंह है जो इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं। दिग्विजय, आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं पकोड़े के साथ? हम मनोहर लाल खट्टर के लिए पकोड़े बना के लाए हैं। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेतुका बयान दिया है पकोड़े को लेकर, कहा है कि पकोड़े बेचने वाला भी रोजगार की श्रेणी में आता है, उसको ये समझ लिया जाए कि उसको रोजगार मिल चुका है। आज हरियाणा प्रदेश में और इस पूरे देश में 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट पास और यहां तक कि पीएचडी पास भी बेरोजगार सड़कों पर घूम रहा है। उन्होंने और उनके विभागों ने इसलिए उनको पढ़ाई नहीं करवाई कि वो सड़कों पर खड़े होकर स्टॉल लगाकर पकोड़े बेचें। इसलिए इस बयान को हम बिल्कुल गलत ठहराते हैं। इसके लिए हरियाणा का मुखिया होने के नाते और हरियाणा की जिम्मेवारी मनोहर लाल खट्टर को नरेंद्र मोदी ने दी हुई है तो अपने नेता के लिए माफी मांगनी चाहिए, उस बयान को वापस लेना चाहिए और उसके साथ साथ हमारे से, क्योंकि हम सब बेरोजगार युवा हैं, कोई 12वीं पास है, कोई ग्रेजुएट है, यहां तक कि पीएचडी करे हुए भी कई लोग आज इस प्रदर्शन में आए हैं। हम ये कहने आए हैं कि जब तक हम आपके पास ये पकोड़े लेकर के आएंगे, जब तक स्थायी रोजगार, पक्की नौकरी हरियाणा प्रदेश के अंदर लोगों को, नौजवानों को नहीं दी जाएगी। जहां इस मुद्दे को लेकर आज आए हैं, वहीं छात्र संघ चुनाव की बहाली के लिए इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ा आंदोलन में प्रयासरत है, एक आंदोलन कर रहा है। 16 तारीख तक अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो फिर हम हंगर स्ट्राइक पर गुरुजम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के अंदर सभी इनसो के साथ ही बैठने जा रहे हैं, उसके लिए सचेत करने और मेमोरेंडम देने आज यहां पर आए। कि आज से पकोड़ा बांटो अभियान आप शुरू करने वाले हैं, ये अब किसको बांटे जाएंगे आगे? जब तक प्रधानमंत्री मोदी और उनके नेता इस बयान को, इस बात को वापस नहीं लेंगे, इसके लिए नौजवानों से माफी नहीं मांगेंगे, अपनी शर्मिंदगी प्रकट नहीं करेंगे जो बयान दिया, तब तक ये पकोड़े भारतीय जनता पार्टी के लोगों, उनके कार्यकर्ता, उनके नेताओं के सामने हम ले जाकर रखेंगे और उनसे इसके एवज में रोजगार देने की, स्थायी नौकरी देने की अपील करेंगे। तब तक करते रहेंगे जब तक ये लोग इस बयान के लिए माफी ना मांगे। तो भी लगता है कि प्रधानमंत्री ने वाकई में युवाओं का अपमान किया है ऐसा बयान देकर? बिल्कुल, युवाओं का और छात्रों का लगातार शोषण हो रहा है, इन रोजगार देना तो दूर की बात, अपमान किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ये बहुत ही निंदनीय है। और हरियाणा का मुख्यमंत्री होने के नाते मनोहर लाल खट्टर जी को चाहिए था कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माफी मांगे और इस तरह की बेतुकी बयानबाजियों पर लगाम लगाने का काम करें। परंतु मनोहर लाल खट्टर जी प्रदेश में छात्रों की भावनाओं को समझने के बजाय दिल्ली में चुप कर बैठे हैं। हम दिग्विजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में यहाँ पर इनसो के कार्यकर्ता, छात्र व बेरोजगार युवा दिग्विजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में पहुंचे और हमारी मांग है कि सरकार माफी मांगे। लगातार प्रधानमंत्री का जो पकोड़े वाला बयान है वो तूल पकड़े हुए है और यहाँ पर जो इनसो है वो साफ साफ ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री अपने इस बेतुके बयान को लेकर माफी मांगे और जब तक माफी नहीं मांगी जाती तब तक वो इसी तरीके से पकोड़े के साथ अपना विरोध दर्ज कराते रहेंगे। कैमरामैन विद्याधर पारीक के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।
तो इनसो के पकौड़ा प्रदर्शन के दौरान इनसो कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। इनसो कार्यकर्ता अपने अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला की अगुवाई में मुख्यमंत्री खट्टर को पकौड़े देने की जिद पर अड़ गए, लेकिन जब पुलिस ने उनको हरियाणा भवन में जाने से रोका तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस बीच पुलिस ने दिग्विजय चौटाला और इनसो कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी कुलदीप शर्मा ने। हरियाणा भवन के बाहर मौजूद है और यहाँ इनसो का प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन प्रदर्शन के बीच में पुलिस और जो प्रदर्शनकारी है उनके बीच में तीखी नोकझोंक हो गई है। पुलिस का बैरिकेड जो है प्रदर्शनकारियों ने फलांग लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जबरदस्त धक्का मुक्की जो सुरक्षा बल है और जो प्रदर्शनकारी है उनके बीच में हो रही है। ये तमाम प्रदर्शनकारी हरियाणा भवन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और ये अपने साथ पकोड़े लेकर आए हैं और उन पकोड़ों को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को देना चाहते हैं, लेकिन जब इनको अंदर से कोई सूचना नहीं मिली तो तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो उग्र हो उठे। और क्या इस वक्त का नजारा है आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं। यहाँ पर जो पुलिस है वो कवरेज से रोकने की भी कोशिश कर रही है। अभी अभी कैमरे यहाँ पर बंद करवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस है वो पूरी कोशिश कर रही है कि जो प्रदर्शनकारी है वो आगे, तमाम जो प्रदर्शनकारी है उनको यहाँ पर पुलिस ने बस में भर लिया है और यहाँ से उनको हटाने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन विद्याधर पारिक के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़ दिल्ली। हरियाणा के हर शहर और कस्बे में कोई ना कोई मशहूर पकौड़े की दुकान है। दशकों से उनका ये कारोबार चल रहा है जहां लोग अपनी बारी का इंतजार करते हैं। पकौड़े के काम से ही हर दुकानदार लखपति, तो कोई उससे भी आगे निकल गया है। जिस सियासत में पकोड़े के नाम पर आजकल बयानबाजी हो रही है और पकोड़े को छोटा काम बताने की जो कोशिशें विपक्ष के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, एक तरह से हरियाणा की सियासत में, देश की सियासत में पकोड़े को लेकर एक राजनीति गरमाई हुई है। आपको एक बात बता दें, हरियाणा के हर शहर में, हर एक शहर में एक ना एक दुकान पकौड़े और समोसे के नाम से मशहूर है। और आप देखिए, आज संडे का दिन है, पानीपत के ये पिंकी पकौड़े वाले बहुत मशहूर हैं। पानीपत में अगर किसी को पकोड़े खाने तो पिंकी पकोड़े वाले का नाम लिया जाता है। आज देखिए संडे को कितनी भीड़ है, लोग इंतजार करें उनको पकोड़े कब मिलेंगे। ये काम आप कब से कर रहे हैं? मेरे काम 1986 से कर रहा हूँ, हमारा खानदानी परिवार यही काम करते चला है। आपके बाप दादा भी यही काम करते? हमारे बाप दादा पाकिस्तान से यहाँ से काम करते आए, यही काम करते हैं। नहीं तो जितनी भीड़ है, आपकी जो सेल है, आपका जो नाम है, आपको आपकी कमाई भी अच्छी होती होगी? कमाई ठीक है, किराए की दुकानें, किराए भी निकालने पड़ते हैं, तीन तीन नौकर भी हैं, उनका भी गुजारा करना पड़ता है। लेकिन पूरे परिवार का मतलब खर्चा चलाना सम्मान की बात है, खुशहाली की बात, पकोड़े से आपके पूरा परिवार चल रहा है। पकोड़े काम से मैंने बच्चे पाले हैं, बच्चों को पढ़ाया लिखाया है, बच्चों की अच्छी पोजीशन बनाई है, मेरी तीन बहनों की शादी भी की है, एक बिटिया की शादी भी करी है। यही पानीपत के मॉडल टाउन में एक सरदार जी पकौड़े वाले के नाम से भी बड़ी मशहूर दुकान है पकौड़े की। आप देखिए मेरे दाएं बाएं अभी भी ग्राहक खड़े हैं, आज छुट्टी का दिन है, इनको ये लगा कि चलो पकौड़े खाए जाएं। पकोड़ों की एक खासियत पानीपत की ये बताऊं, आप अगर मेरे पीछे ये फोटो देखें, एक जीत सिंह चावला है, ये जो फोटो है जीत सिंह चावला है, इनके बाद इनके इंदर सिंह चावला ने ये खोखे पे समोसे पकोड़े का काम किया, उसके बाद सुनील चावला, आप देखिए दुर्भाग्य से उनकी छोटी उम्र में डेथ हो गई है। ये तीन लोग लगातार पकोड़े बेचते आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद अब देखिए ये चौथी पीढ़ी के लोग हैं जो ये पकोड़े बेच रहे हैं। आप देखिए ग्राहक कितने खड़े हैं, इनके पकोड़े भी मशहूर हैं और इसी पकोड़े से ये घर चला रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, मकान बनाया और घर की शादियां कर रहे हैं। जो लोग पकोड़े खाने आए हैं इनसे पूछते हैं, प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया पकोड़ों पे, विपक्ष के कई नेता कह रहे जी इन्होंने बेइज्जती कर दी बेरोजगार युवाओं को। कोई बेइज्जती नहीं हुई है इसमें कुछ भी, हर आदमी को रोजगार करने की छूट है इस देश में, और पकोड़े का काम कोई गलत काम नहीं है, कुछ भी कर सकता है इंसान, अच्छा काम है। चार पीढ़ियों से उनका घर बाहर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया काम है। आप बताओ पकोड़े का आनंद लेने आज? हाँ जी हाँ जी, आज संडे था, फ्री था, इसलिए पकोड़े खा रहे। आप बताओ, ये बताते हैं सरदार जी छोटी सी दुकान है, खोखा है, लेकिन मशहूर बहुत है ये। हाँ बहुत मशहूर दुकान है, चटनी बड़ी अच्छी होती है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल अच्छी। दो दुकानें मशहूर है, पिंकी पकोड़े वाला और सरदार जी पकोड़े वाला, दोनों ही दुकानों पर लोग इंतजार करते हैं कि मेरा नंबर कब आएगा। तो लिहाजा पकोड़े बेचना कोई छोटा काम नहीं है, पकोड़ों से इन लोगों ने अपनी जिंदगी संवारी है, सम्मान पाया है और शहर में पहचान बनाई है।
कैमरामैन धर्मवीर के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो। और अब तो जीएसटी में शामिल पकौड़ा पहले से भी खास हो गया है। मौका कोई भी हो, पकौड़ा अपनी जगह बना ही लेता है। प्रदेश के हर कस्बे, हर शहर में पकौड़े की दुकान पर 250 से 300 रुपए किलो के भाव से बेचा जा रहा है, यानी कश्मीरी सेब और रसगुल्लों से भी महंगा। जानिए पकौड़े की महिमा। घर आए किसी मेहमान या किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नाश्ते पानी का प्रबंध करना हो तो पकोड़ा सबसे पहले याद आता है, और सियासत या विपक्ष से जुड़े किसी नेता जी की आवभगत करनी हो तो भी पकोड़ा अपनी जगह बना ही लेता है। उसी पकोड़े की खास बात, दरअसल हरियाणा के शहरों कस्बों में अच्छी क्वालिटी के पकोड़े खाने वाले लोगों को पता है कि ये 250 से 300 रुपए किलो मिलते हैं, कश्मीरी सेब और रसगुल्लों से भी महंगे। फिर भी पकोड़ों की बेइज्जती भला क्यों की जा रही है? हाँ जी, बहुत अच्छे पकोड़े होते हैं अंकल के, बेस्ट पकोड़े हैं पानीपत में पूरे। मैं अंकल से ही लेके जाता हूँ, जब भी लेके जाता हूँ। ये मेरे फूफा जी आए लाडवा से, मैं स्पेशल इनको पकोड़े खिलाने के लिए आया हूँ अंकल के। आज सारी फैमिली इकट्ठी हुई थी। फुल मजा आता है इनके पकोड़े खाने से, हमेशा इनके लेके जाते हैं जब भी जरूरत होती है घर में, मेहमान आए हुए आज। हरियाणा के हर शहर कस्बे में सर्दियों की शाम को, छुट्टी का दिन हो या फिर बर्थडे पार्टी, पकोड़ा हमेशा डिमांड में रहता है। ये काम तो पुश्तैनी है, पीढ़ियों से चला आ रहा है, 100% शुद्ध मुनाफे का काम। कोई काम छोटा नहीं होता है, इनका काम भी अच्छा है, अच्छा कमा रहे हैं और अच्छा नाम है इनका मार्केट में। बहुत कम लोगों को पता है कि अब तो पकोड़े की बिक्री पर 5% जीएसटी भी लग गया है, यानी जीएसटी में जगह पाने से पहले ये पकोड़ा हजारों परिवारों की जिंदगी बदल चुका है, उन्हें लखपति करोड़पति बना चुका है। फिर भी पकोड़े और पकोड़े वालों के बारे में ऐसी बातें क्यों? शायद पकोड़े की बात राजनीतिक प्रसंग में हुई इसीलिए इतना बवाल है। यूं तो धर्मेंद्र हेमा मालिनी का छोटा बेटा बॉबी देओल भी जल्द पूरे देश में ढाबों की चेन खोल रहा है, तो क्या वो छोटा हो जाएगा? ये तो कमाई के आइडियाज हैं, इसलिए शोर नहीं, बहाने बनाना नहीं, कुछ करना सीखो। देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।